हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के सुपर मनी ऐप के बारे में। गाइस, आज हम बात करेंगे कि सुपर मनी ऐप क्या है, सुपर मनी ऐप को आप कैसे यूज करेंगे, सुपर मनी ऐप को यूज करने में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आप सुपर मनी ऐप के बारे में विस्तार से सारी जानकारी जानना चाहते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। सुपर मनी ऐप के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। हे गाइस, आई एम किशन झा, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केजा टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि सुपर मनी ऐप क्या है। गाइस, फ्लिपकार्ट के द्वारा सुपर मनी एक फाइनेंशियल ऐप लॉन्च किया गया है, जहां पे आप अपना यूपीआई अटैच करके, क्रेडिट कार्ड अटैच करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। गाइस, सुपर मनी ऐप में आपको मर्चेंट ट्रांजैक्शन पे आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है, यानी कि अपने या क्रेडिट कार्ड से मर्चेंट को अगर आप स्कैन करके पे करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पे आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। सुपर मनी ऐप में आपको भाई एफडी भी मिल जाता है, जहां पे आपको एफडी करने पे 9% का हाई इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। सुपर मनी आपको सुपर कार्ड भी आपको देता है, जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस, यहां पे आपको आज हम सुपर मनी ऐप के सारे फीचर्स फंक्शंस के बारे में बताएंगे, सारे बेनिफिट्स के बारे में आपको लाइव प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्योंकि सुपर मनी ऐप में आपको ट्रांजैक्शन करने पे आपको जो भर के आपको रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। तो सब कुछ आपको अगर जानना है तो वीडियो में बने रहिएगा, लेकिन सबसे मोबाइल के स्क्रीन पे लाइव प्रैक्टिकली जानते हैं सारी चीजें विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। मोबाइल के स्क्रीन पे सुपर मनी ऐप में ज्वाइन होना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे, वो लेकर जाएगा प्ले स्टोर पे, करना भाई ऐप को इंस्टॉल, डन करना, ओपन। ओपन करने का इसमें आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, बात को समझिएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले देना है मोबाइल नंबर, डन करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, SMS और फोन, दोनों का जो है ये आपका ऑथराइज्ड मांगेगा, जो कि मैंडेटरी है। अब क्या करना है, देना है यहाँ पे कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा भाई अलाउ, आपको क्या करना है यहाँ पे दिए हुए कुछ अलाउ को आपको क्या करना है, अलाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करके अलाउ कर देना है, ठीक है। उसका ये वेरीफाइंग करेगा, आपका मोबाइल को वेरीफाइंग करेगा, ठीक है। और जिस नंबर से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हो, वो नंबर आपके डिवाइस में लगे होने चाहिए, ये कंपलसरी है, तभी आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट अटैच हो पाएगा, सारी चीज़ें प्रक्रिया पूरी हो पाएंगी, ठीक है। तो ये वेरीफाइंग करेगा, वेरीफाई करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पेमेंट मेथड, इसमें दो ऑप्शन है, पहला दिया गया रुपया, क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अटैच कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू UPI अटैच करके आप जो है भाई यहाँ पे जो है एक्सपेंस कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से आजकल भी UPI होता है, ठीक है। उसका यहाँ पे बैंक अकाउंट में आ गया, अपना बैंक अकाउंट लिंक आप कर सकते हैं, जिससे डायरेक्ट आपका UPI लिंक हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कोटक बैंक सेलेक्ट करेंगे, कोटक महिंद्रा का अकाउंट है मेरे पास, हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि भाई कोटक का मेरा बैंक अकाउंट आ चुका है, हमने यहाँ बैंक अकाउंट का डिटेल्स दे दिया है, ठीक है। फैच कर लिया है मेरे नंबर से भाई, यही अकाउंट है, नंबर से वो फैच कर लेगा, आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट आ जाएगा, ठीक है। उसके सामने में यहाँ पे लिंक अकाउंट देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे दिए हुए इस लिंक अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट यहाँ पर लिंक हो जाएगा और इसमें टिक लग जाएगा, ठीक है। देन नीचे में दिए हुए कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको कैमरा का अलाउ मांगा तो आप अलाउ कर देंगे यहाँ पे, ओके। जैसे अलाउ करेंगे आपको समझ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब मैं आपको जो है सुपर मनी ऐप के सारे फीचर फंक्शंस बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ, ओके। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे टैप टू स्कैन, यहाँ से आप जो है स्कैन करेंगे किसी को QR कोड को और अपने UPI से पे कर देंगे, अपना क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे, जो भी करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पहला हो जाता है सेंड मनी, दूसरा हो जाता है यहाँ पे चेक बैलेंस, ठीक है। सेंड मनी पे क्लिक करके भाई UPI के थ्रू पेमेंट आप किसी को सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे एक्सपेंस कर सकते हैं, ठीक है। और चेक बैलेंस में जो है यहाँ पे आप जो है अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, चेक बैलेंस बोलो, चेक मनी बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। उसका देखेंगे यहाँ बताया जा रहा है कि ऑन ऑल UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन गेट अप टू 5%, जितने भी मर्चेंट को आप पे करेंगे उसका आपको 5% कैशबैक मिलेगा। याद रखें मर्चेंट लिखा हुआ है तो मर्चेंट को पे करेंगे तभी आपको यहाँ पे ये इनकम मिल पाएगा। वैसे अभी अगर नॉर्मली किसी को पे करते हैं UPI से तो उसमें भी आपको कैशबैक मिलेगा, ठीक है। हम आपको पे करके दिखाएंगे, ठीक है, और कैशबैक कितना मिलता है या नहीं मिलता है वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि ये जो है
फ्लिपकार्ट का ही ऐप है सुपर मनी। तो फ्लिपकार्ट अपने जो है शॉपिंग पोर्टल पर आपको जो यहाँ पे कैश पर देगा या फिर फ्लिपकार्ट का कोई भी पोर्टल होगा वहाँ पे आप जो है सुपर मनी ऐप के थ्रू वहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या होगा कैशबैक मिलेगा। तो अगर आप जो फ्लिपकार्ट शॉपिंग करोगे 10% का आपको यहाँ पे श्योर कैशबैक आपको मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पर देखेंगे कि मेहनताज करेंगे तो भी आपको 10% का मिल जाता है, स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि यानी कि शॉपिफाई से करते हैं तो भी आपको 10% कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो भी ऑफर्स रहेंगे यहाँ पे आपको चलते रहेंगे, ठीक है। तो अच्छा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अपकमिंग प्रोडक्ट यानी कंपनी के कुछ चीज़ें हैं जो आने वाला है, ठीक है। जैसे कि FD करेंगे तो आपको यहाँ पे 9% का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो कि हाई पेइंग इंटरेस्ट है, ठीक है। FD पे इतना इंटरेस्ट बहुत कम देता है यानी कि नहीं देता है मार्केट में कोई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आप बताए गेट इंस्टेंट यानी प्री अप्रूव लोन यानी कि लोन भी आने वाला है जिसमें आपको इंस्टेंट लोन आपका अप्रूव होगा तो वो भी यहाँ पे आने वाला ये स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। देन यहाँ पे इनके कुछ मेन्यू की बात कर लेते हैं जो कि नीचे मेन्यू दिया गया। पहला UPI है जो कि अभी चालू हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है, कार्ड इनका जो है वो आने वाला है, सुपर कार्ड जो है वो आने वाला है जिसमें आपको 5% का भाई आपको जो है कैशबैक मिलेगा ऑल UPI मर्चेंट पेमेंट पे, ठीक है। तो ये इनका कार्ड आने वाला है लेकिन अभी जो UPI चल रहा है, ठीक है, 9% का जो इंटरेस्ट है यानी पर एनुअल, ठीक है। यह कार्ड यहाँ पे देखेंगे कि ये कार्ड जो है इनका ये आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सून लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाता है, ये आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ओके। जैसे मिनिमम 100 डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड का रखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे डिपॉजिट रखा गया, ठीक है। डिपॉजिट में भाई FD कर सकते हैं जो कि अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये लॉन्चिंग सून में है यानी कि अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, ये लॉन्चिंग सून में है, ठीक है। देन यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है भाई यहाँ पे कैश, ठीक है। कैश देखेंगे कैश में आ जाता है यहाँ पे भी, ये जो आपका लोन जो है वो लोन आपको कैश वाला सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो ये जो लोन आने वाला है यहाँ पे आपको देखेगा तो ये भी अभी सून में आता है। ये सब सारी चीज़ें आएंगी नहीं तो मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको बनाकर सारी चीज़ समझाऊंगा, इसलिए बोलता हूँ चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि आने वाले टाइम में आपको पार्ट बाय पार्ट सुपर मनी के सारे वीडियोस आपको मिलते रहे, आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहे, ठीक है। उसके बाद रिवॉर्ड देखो, रिवॉर्ड वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लाइफ टाइम कैशबैक, जो भी कैशबैक मिलेगा आपको लाइफ टाइम यहाँ पे कैशबैक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि रिडीमेट यानी कि यहाँ पे आपको रिडीमेट बैलेंस देखने को मिल जाएगा, रिडीमेबल बैलेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्वीप करके आप रिडीम कर सकते हो जो भी आपने रिवॉर्ड अर्निंग किया उसे रिडीम कर सकते हो। रिडीम मिनिमम 100 रुपीज का यहाँ पे होगा, ठीक है। रिडीम करके अपने बैंक में आप ले सकते हो जो भी रिवॉर्ड आपने अर्न किया, ठीक है। रिवॉर्ड आपकी कमाई होती है कमाई अपने बैंक में आप ले सकते हो, जरा जब कमाई हो जाएगी तो, या फिर छोटी मोटी कमाई है तो उसे आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये ऐप है भाई, ठीक है। हम यहाँ पे आपको पेमेंट पे करके दिखाते हैं, ओके। कैसे पे करना दिखाते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टैप टू स्कैन और यहाँ पे मैं अपने दूसरे QR कोड को मैंने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद यहाँ पे भाई अमाउंट डालेंगे कितना मुझे पे करना है उस पर, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे मैं 10 रुपया पे करता हूँ, ठीक है। 10 रुपये पेमेंट डालेंगे, पे वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये लोडिंग लेगा और यहाँ पे UPI पिन मांग रहा है, UPI पिन देकर पे करते हैं। चलो भाई हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। हमने एक अमाउंट पे किया, देखेंगे यहाँ पे मुझे 11 रुपये का कैशबैक मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे मुझे जो 11 रुपये का कैशबैक मिल गया क्योंकि मैंने यहाँ पे पहला पेमेंट किया 10 रुपये का। पहला पेमेंट करोगे 10 रुपये का या 1 रुपये का पेमेंट करोगे यहाँ पे तो आपको 11 रुपये का श्योर आपको कैशबैक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हमने पेमेंट किया, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स है, डिटेल्स पे जाएंगे, ठीक है। व्यू डिटेल्स पे जाएंगे, व्यू डिटेल्स पे जाने को यहाँ पे जो है डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। पहले देखो 11 जुलाई 2024 को 12:32 मैंने यहाँ पे इस जो है पेमेंट मेथड से हमने इस जो है एक यानी कि UPI ID पे हमने ट्रांजेक्शन ऐड ये है और हमने यहाँ पे जो है सुपर मनी ट्रांजेक्शन ID मेरा ये है। आप देखेंगे कि यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स में जाएंगे नीचे तो पेमेंट डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा कि भाई हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। खुद को ही पे किया दूसरे अकाउंट पे तो मुझे यहाँ पे भाई मिल चुका है भाई यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड 11 रुपये का। डन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम कहाँ पे रिवॉर्ड वाले सेक्शन में, ठीक है। इस रिवॉर्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे मुझे 11 रुपये का भाई यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है, कैशबैक, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन किया 1 रुपये का, पहला ट्रांजेक्शन करते आपको 11 रुपये का यहाँ पे कैशबैक आपको मिल जाता है, ठीक है। आप देखेंगे आपको देखने को मिल जाता है 11 जुलाई 2024, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अगर आप UPI से पे करते हो किसी को तो आपको यहाँ पर भाई कैशबैक आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और यहाँ पे आपको जो 5% का भाई UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन पे आपको जो यहाँ पे कैशबैक आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई प्रोफाइल की, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका भाई नाम और जो आपका UPI ID देखने को मिल जाता है। ये सुपर मनी का UPI ID है, किसी को दोगे कोई पे करेगा तो भी आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे जो है चेक बैलेंस से बैलेंस चेक कर सकते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप जो है एड पेमेंट मेथड में नया बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे आपको देखने को मिल जाता है भाई सेटिंग एंड हेल्प, तो यहाँ पे जो UPI ऑप्शन पे जाएंगे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे
पहला ऑप्शन हो जाता है ऑटो पे, ठीक है, ये ऑटो पे है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने का देंगे पेंडिंग अप्रूव ऑर्डर, ये ऑटो पे है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यानी कि रिक्वेस्ट मनी देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट मनी कर सकते हैं मोबाइल नंबर से, यू पी आई आई डी से, कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट मनी का, ठीक है। उसके बाद यू पी आई नंबर, अपना जो है आप सुपर मनी ऐप में जो है यू पी आई नंबर कर सकते हैं, कोई भी इस नंबर से डायरेक्ट आपको पे करेगा तो आपको यहाँ पे इस यू पी आई में आ जाएगा जो यू पी आई सुपर मनी में जोड़े हुए हैं या फिर जो आपने नंबर सुपर मनी में दिया हुआ, ठीक है, नंबर से डायरेक्ट आपको पे कर देगा। यहाँ पे यूपीआई नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ऐड प्राइवेट यूपीआई नंबर, यानी यहाँ पे जो है यानी प्राइवेट यूपीआई नंबर ऐड कर सकते हैं, या फिर जो नंबर है उसे आप यूपीआई नंबर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखने को मिल जाता है भाई यानी पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग कलेक्ट रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पेंडिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे माय यूपीआई रिक्वायरी, ठीक है, यहाँ पे क्वेरीज वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे जो भी क्वेरीज आप करेंगे वहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है, ऑप्शन है, ठीक है, ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे उसका डी रजिस्टर्ड है, डी रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी में आप क्या कर सकते हो, फिर यहाँ पे डी रजिस्टर पे क्लिक करोगे सब कुछ आपका डी रजिस्टर हो जाएगा, फिर से इसे आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। मान ली कुछ गड़बड़ी आपका हो गया तो आप यहाँ पे क्लिक करके डी रजिस्टर्ड कर दोगे तो फिर से नया सबको रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब नया रजिस्टर्ड करना होगा यूपीआई, ठीक है। उसका यहाँ पे ऐप सेटिंग है, ऐप सेटिंग में आपको भाई आप इस एप्लीकेशन का सेटिंग करना है अपने हिसाब से, जैसे कि यानी कि चेंज कर सकते हो अपना ऐप पिन, उसके बाद अबाउट सब कुछ आप देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसका हेल्प है और लॉग आउट है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको भाई आपका मेन्यू भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जितने भी मर्चेंट को आप यू पी आई से पे करोगे आपको भाई यहाँ पे 5% का यहाँ पे भाई आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना तो भाई आप पे करते जाओ, 5% का रिवॉर्ड्स यहाँ पे आप लेते जाओ, ठीक है। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा भाई तो जरूर इस एप्लीकेशन को यूज़ करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यूज़ कर सकते हैं भाई। फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, काफ़ी मज़ेदार एप्लीकेशन है, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ पूछना है तो कमेंट्स करिए, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।